हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी डॉक्टर रजनीश कर्ण पर। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रोटेटिंग मशीन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने आपको अभी तक बताया है। और इसी के सीरीज में अभी हम पढ़ रहे थे डीसी मशीन, जिसमें डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया है, डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन ये भी हमने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं कि डीसी मशीन के कितने टाइप्स होते हैं। इस डीसी मशीन के सारे फंक्शन को समझने के लिए, उसके टाइप्स को समझने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। और कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताएं। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में, जैसा हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में दो मेजर चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसको कि कंडक्टर कट करेगा और वो फ्लक्स कट होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। जनरेटर हो या मोटर, दोनों में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं हम जनरेटेड ईएमएफ, और मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं बैक ईएमएफ। मोटर के ईएमएफ इंड्यूस को हम बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं ये भी हमने आपको अपने लेक्चर में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसका जनरेटेड ईएमएफ या बैक ईएमएफ का एक्सप्रेशन भी हमने अपने पुराने लेक्चर में आपको डिराइव करके बताया है कि इसकी वैल्यू जो है वो पी फाई एन जेड अपॉन 60A होती है, जहां पे पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, फाई होता है फ्लक्स पर पोल, एन इज स्पीड ऑफ मशीन इन आरपीएम, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और ए होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसा हमने बताया कि इसमें दो जो मेजर पार्ट है, एक होता है फील्ड सिस्टम जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, और दूसरा होता है कंडक्टर का सिस्टम जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। वो आर्मेचर रोटेट होता है और उस फ्लक्स को कट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो मैग्नेटिक पोल्स है उसको हमें सप्लाई देनी होगी। वहां पे परमानेंट मैग्नेट हम नहीं लगाते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लेकिन उसको हम डीसी सप्लाई देते हैं ताकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स हो जाए, फिक्स पोलैरिटी का आपका मैग्नेट बन जाए, और इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो। अब अगर हम जनरेटर की बात करते हैं या अगर हम मोटर की बात करते हैं, तो जैसे मोटर में एक तो आपको आर्मेचर को सप्लाई देनी है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर को जब सप्लाई देंगे तब ये टॉर्क फील करेगा, क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उस कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो कंडक्टर एक टॉर्क फील करता है, उसकी वजह से वो मूव करने लगता है, अपनी पोजीशन से मूव करता है तो फ्लक्स कट होता है, फ्लक्स कट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसे ही जनरेटर में हमने क्या किया, मैकेनिकल इनपुट दिया। मैकेनिकल इनपुट देने का मतलब हम आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से फ्लक्स कट होता है और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ जनरेटर में इंड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको टर्मिनल पे मिल रही है, जो वोल्टेज मिल रहा है, अगर हम उसको और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने वाले मैग्नेटिक पोल को अलग अलग समझते हैं, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, तो उसको कहते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। जैसे इसका हमने ये पहला जो एग्जांपल लिया है ये है जनरेटर। जनरेटर में ये हमारा बाहर का फील्ड सिस्टम है। हमने आपको डीसी मशीन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पिछले लेक्चर में बताया था कि यहां पे ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर ए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है जनरेटेड ईएमएफ, इसको कैपिटल ई और सबस्क्रिप्ट में जी लगा के दिखाया है। आई एल मतलब लोड करंट जो अपने को टर्मिनल पे मिलता है, वी टी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज, ये है फील्ड सिस्टम, ये वाइंडिंग लगी है जिसका कि रेजिस्टेंस है आर, और एफ दिखाने का मतलब फील्ड सिस्टम है, फील्ड सिस्टम का फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और इसको जो करंट पास हो रहा है, इसको जो सप्लाई दी है ये है फील्ड वोल्टेज, और उसकी वजह से जो करंट आया है वह है फील्ड करंट। तो जैसे ही करंट सर्कुलेट होगा इस वाइंडिंग में तो इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, आर्मेचर है, आर्मेचर फ्लक्स को कट करेगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हम यहां पे अगर इसका वोल्टेज इक्वेशन देखें, वोल्टेज इक्वेशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं जनरेटेड ईएमएफ से लेकर के टर्मिनल वोल्टेज तक।
यहां आर्मेचर में जो करंट होगा वो आर्मेचर का करंट अगर हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई ए से, तो यहां क्या देखने को मिल रहा है कि जो करंट आर्मेचर में है वही आपको टर्मिनल पे मिल रहा है, मतलब लोड करंट की वैल्यू जो है वो आर्मेचर करंट के बराबर है, करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां का अगर आप वोल्टेज इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, जनरेटेड ईएमएफ माइनस ड्रॉप इन आर्मेचर वाइंडिंग, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, आई इंटू आर, ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आर्मेचर का करंट है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो इस जनरेटेड ईएमएफ से ये आर्मेचर वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा और बचा हुआ वोल्टेज अपने को टर्मिनल पे मिलेगा, वो वोल्टेज हमको टर्मिनल पे मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल है इसका वोल्टेज इक्वेशन, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर हम मोटर का केस लेते हैं तो मोटर में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मोटर में तो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज जो है ये हमने मशीन को अप्लाई किया है और हमको मैकेनिकल आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब आर्मेचर जो है वो रोटेट होना चाहिए। तो जो सप्लाई हमने दी है वो पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि इस सप्लाई वोल्टेज में से पहले तो आर्मेचर वाइंडिंग का ड्रॉप होगा, उसमें पहले आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज का ड्रॉप होगा क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें उसका रेजिस्टेंस है आर और उसमें करंट है आई, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। जो बचा हुआ वोल्टेज है वो होगा बैक ईएमएफ के बराबर, वो क्या होगा बैक ईएमएफ के बराबर। तो इसको अगर हम इस तरीके के फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा कि बैक ईएमएफ प्लस ड्रॉप इन आर्मेचर इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, यहां पे माइनस साइन यहां पे प्लस साइन, यहां जनरेटेड या इंड्यूस्ड ईएमएफ में से आर्मेचर ड्रॉप को माइनस करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ से कम होगी। जबकि मोटर के केस में जस्ट उल्टा होता है, मोटर में हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, इसमें से जब आर्मेचर का ड्रॉप माइनस करेंगे तो बचा हुआ वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर होगा, मतलब बैक ईएमएफ की वैल्यू जो है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू जो है टर्मिनल वोल्टेज से कम होगी। टर्मिनल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम था, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ईएमएफ इंड्यूस्ड से ज्यादा होगा। तो ये जो एग्जांपल है ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का, जनरेटर और मोटर में सिर्फ करंट के डायरेक्शन का ही फर्क है। तो अब जो मैं अगला सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन बताऊंगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जनरेटर का, मोटर में आपको कुछ नहीं सिर्फ टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन चेंज करना है। तो हम अगर जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर होगा सेम वैसा ही टाइप्स ऑफ डीसी मोटर भी कर सकते हैं, बस हमको करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेना होगा। तो ये है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड में हमने आपको बताया था कि मशीन को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कि फील्ड वाइंडिंग को अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ दें, अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो ऐसे मशीन को कहते हैं हम सीरीज टाइप। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है सीरीज टाइप डीसी मशीन। यहां सीरीज क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड। अब ध्यान देने लायक बात क्या है यहां पे, कि हमने यहां एस ई लिखा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, एस ई का मतलब हो गया सीरीज, एस ई से सीरीज को हमने शॉर्ट में लिखा है, एस एच को मतलब होता है शंट मतलब पैरेलल। तो ध्यान देना जहां भी एस एच या एस ई लिखा है इसकी कुछ मीनिंग है, एस ई मतलब सीरीज, एस एच मतलब शंट पैरेलल। तो यहां पे आर एस ई लिखा है मतलब ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए हमने इसको एस ई से रिप्रेजेंट किया है। इसका करंट मान लें कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एस ई, एस ई मतलब सीरीज वाइंडिंग का करंट, जो टर्मिनल पे मिल रहा है वो लोड करंट, जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हमने रिप्रेजेंट किया ई और जी से, ये है आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर का करंट है आई ए। ये तीनों सीरीज में होने की वजह, ये दोनों सीरीज में होने की वजह से क्या होगा, या यहां पे जो भी लोड लगाएंगे वो लोड, ये फील्ड वाइंडिंग, ये जनरेटेड ईएमएफ, ये तीनों क्या है सीरीज में है, मतलब सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होगी, इसलिए आर्मेचर करंट ये
सीरीज वाइंडिंग करंट के बराबर होगा और यही हमारा लोड करंट के बराबर होगा। ध्यान दीजिए कि आर्मेचर वाइंडिंग का करंट और सीरीज वाइंडिंग का करंट मतलब फील्ड वाइंडिंग का करंट और ये लोड करंट सब बराबर होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम इसका ईएमएफ इंड्यूस निकालें कि ईएमएफ इंड्यूस से टर्मिनल वोल्टेज तक जाने में क्या वोल्टेज इक्वेशन आ रहा है कि यहां से जनरेटेड ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसमें से सबसे पहले आर्मेचर वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप माइनस हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग का करंट ये माइनस हो गया, यहां तक पहुंचे। इसमें से फील्ड वाइंडिंग जो है उसका वोल्टेज भी माइनस करना होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली इसके रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। ये आ गया ISE इंटू RSE इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान दें इन दोनों में क्या अंतर है, यहां पे जनरेटेड ईएमएफ में से सिर्फ आर्मेचर का ड्रॉप माइनस किया तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल गया, लेकिन यहां पे इस आर्मेचर वाइंडिंग का ड्रॉप माइनस करने के बाद फील्ड वाइंडिंग का भी ड्रॉप आपको माइनस करना पड़ेगा तो ये टर्मिनल वोल्टेज। अब इस एवं ये जो रिलेशन है कि आर्मेचर करंट और ये सीरीज वाइंडिंग का करंट इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इससे क्या आ गया कि ये वैल्यू को ईजी माइनस आई ए आर ए इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है इक्वल टू वी टी, तो क्यों ना इसको कॉमन ले ले, तो जनरेटेड ईएमएफ माइनस आर्मेचर करंट को कॉमन ले लिया तो आर ए प्लस आर एस ई इज इक्वल टू वी टी। ये है वोल्टेज इक्वेशन सीरीज वाइंडिंग का। ये टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में हमने आपको डीसी जनरेटर का केस बताया है, मोटर का केस में डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यहां पे लोड वाइंडिंग लोड का जो करंट है लोड करंट ये हमने आउटवार्ड लिया है टर्मिनल की तरफ, मोटर होता तो उल्टा हो जाता, ये इनवार्ड होता तो ऑब्वियस है फील्ड वाइंडिंग का करंट भी इनवार्ड होता, आर्मेचर वाइंडिंग का करंट भी अपोजिट साइड में होता। तो आपको बस इतना ही चेंज का ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन आपको मोटर में उल्टा लेना है क्योंकि मोटर में हम सप्लाई देते हैं। इस डायग्राम से क्लियर है कि यहां पे हमने वाइंडिंग मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को पैरेलल में लगाया है, ऐसे मशीन को कहते हैं हम शंट टाइप, SHUNT शंट, शंट का मतलब ये होता है पैरेलल। यहां पे देखें अगर आप ध्यान से तो क्या हो रहा है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में है। अब यहां टर्मिनल वोल्टेज, अब पहले करंट का देखें कि आर्मेचर का करंट जो है वो इस जंक्शन पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यहां पे आर्मेचर का करंट जो है इस जंक्शन पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ पोर्शन चला जा रहा है शंट वाइंडिंग की तरफ और कुछ चला जा रहा है लोड की तरफ। तो सिंपल किरचॉफ करंट लॉ कि किसी भी नोड पे जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट, तो आर्मेचर वाइंडिंग का करंट इनकमिंग है इस नोड पे और ये दोनों करंट जो है आउटगोइंग है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब जब वोल्टेज की बात करते हैं तो जनरेटेड ईएमएफ इसमें से जब हम आर्मेचर का ड्रॉप माइनस करते हैं, इसमें से इसका ड्रॉप माइनस कर दिया तो जैसे ही माइनस किया तो ये मिलेगा और ये पैरेलल में है, यहां का टर्मिनल वोल्टेज अगर हम वीटी लिखते हैं तो ये वोल्टेज के बराबर, ये यहां और ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल में होने की वजह से वोल्टेज क्या होगा सेम होगा, मतलब ये वैल्यू वीटी के बराबर पैरेलल में है तो हम इससे शंट वाइंडिंग का करंट निकाल सकते हैं, शंट वाइंडिंग का करंट होगा टर्मिनल वोल्टेज अपॉन शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सिंपल ओम्स लॉ कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वही यहां पे मिलेगा और वही हमको वोल्टेज सिर्फ शंट वाइंडिंग के पैरेलल में मिलेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, तो वोल्टेज सेम है करंट जो है वो हमें निकालना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा इस वाइंडिंग का करंट। तो ये अब इस दोनों रिलेशन की मदद से हम इसके कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे कि आर्मेचर करंट जो होगा वो शंट वाइंडिंग करंट प्लस लोड करंट और शंट वाइंडिंग का करंट क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज अपॉन शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, इसको माइनस कर दिया तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये है वोल्टेज इक्वेशन किसका, शंट का।
अब ये तीसरा जो बनाया है इसमें दो डायग्राम बनाए हैं, ध्यान से देखें, यहां दो डायग्राम है दोनों में। और हमने बताया था कि जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये होता है मिक्स, मतलब ऐसा मशीन जहां पे सीरीज में भी फील्ड वाइंडिंग लगी होगी और शंट में भी फील्ड वाइंडिंग लगी होगी, मतलब सीरीज और शंट दोनों ही यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। लेकिन लगाने का तरीका कैसा है, जैसे यहां पे हमने पहले क्या किया कि इस दोनों का अगर कंपेयर करना हो इस डायग्राम को, तो मैं इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करके बताता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, नीचे वाले और ऊपर वाले में फर्क देखना आप। यह है हमारा आर्मेचर, आर्मेचर के साथ ये पैरेलल में हमने लगाया फील्ड वाइंडिंग, और उसके कॉम्बिनेशन के सीरीज में लगाया हमने शंट सीरीज वाइंडिंग, तो आर एस ई आर एस एच। अब करंट की वैल्यू यहां से जैसे हमने सप्लाई दी तो क्या होगा, ये है जनरेटेड ईएमएफ, ये आर्मेचर का करंट, इस नोड पे आके ये वैल्यू ऐसे करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहां जाएगा शंट वाइंडिंग का करंट, यहां जाएगा लोड सॉरी आई एस ई सीरीज वाइंडिंग का करंट, और इधर आपने लिखा टर्मिनल का करंट। यहां हमने क्या किया कि पहले आर्मेचर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, वाइंडिंग लगा दी, मतलब शंट वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में है और इस पूरे कॉम्बिनेशन के सीरीज में ये सीरीज वाइंडिंग लगा हुआ है। जबकि इस दूसरे वाले केस में क्या है कि पहले हमने आर्मेचर के साथ सीरीज में ये सीरीज वाइंडिंग लगाई और इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में हमने शंट वाइंडिंग लगाई। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे छोटा सा पोर्शन शंटेड है, सिर्फ आर्मेचर शंटेड है, जबकि यहां पे ये कंप्लीट आर्मेचर प्लस फील्ड वाइंडिंग जो है सीरीज में लगी है, ये पूरा कॉम्बिनेशन शंटेड है, तो इसको कहेंगे हम शॉर्ट शंट कंपाउंड। ये क्या होगा हमारा, शॉर्ट शंट कंपाउंड टाइप डीसी मशीन, और ये क्या होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन। नाम से ही क्लियर है कि क्यों हम इसको ऊपर वाले को शॉर्ट शंट कह रहे हैं, क्यों हम नीचे वाले को लॉन्ग शंट कह रहे हैं। सिर्फ आर्मेचर शंटेड है तो वो शॉर्ट शंट, और आर्मेचर के साथ जो सीरीज में हमने सीरीज वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग लगाया है वो पूरा कॉम्बिनेशन अगर शंटेड है तो उसको कहेंगे हम लॉन्ग शंट। तो ये है शॉर्ट शंट, ये है लॉन्ग शंट। अब इसमें हम इक्वेशन देखना चाहें तो क्या होगा, यहां पे आर्मेचर करंट ऐसे ही डिवाइड होगा सीरीज वाइंडिंग में और शंट वाइंडिंग में, यहां जो भी इस जंक्शन पे करंट आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ पोर्शन जाएगा सीरीज वाइंडिंग में, कुछ पोर्शन जाएगा शंट वाइंडिंग में। फिर जो सीरीज वाइंडिंग का करंट है वही करंट जो है वो आपके लोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये कहीं और डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आई एस ई मतलब सीरीज वाइंडिंग का करंट लोड करंट के बराबर होगा। अब इसका वोल्टेज इक्वेशन, जनरेटेड ईएमएफ माइनस आर्मेचर का ड्रॉप, तो हम पहुंचे यहां तक ईजी माइनस आई ए आर ए। इसमें से जब हम फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप माइनस करेंगे तभी हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, मतलब जनरेटेड ईएमएफ में से हमने पहले आर्मेचर का ड्रॉप माइनस किया, इसमें से जब हम ये फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप माइनस करेंगे तो अपने को टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। अब यहां पे ये शंट वाइंडिंग का करंट क्या होगा, ध्यान दें यहां का वोल्टेज क्या है, यहां का वोल्टेज हमें देखना होगा, ये वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं है, क्योंकि इस वोल्टेज में जब यहां का वोल्टेज ऐड करते हैं तब टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो शंट वाइंडिंग का करंट यहां होगा जनरेटेड ईएमएफ माइनस आई ए आर ए अपॉन आर एस एच। ध्यान दें कि जनरेटेड ईएमएफ में से आर्मेचर का ड्रॉप माइनस करेंगे तब जो वोल्टेज मिलता है उसको जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमको ये करंट मिलता है, या इसका उल्टा, ये जैसे हमने लिखा है ईजी माइनस आई ए आर ए, ये इसको जब हम उस तरफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस
आई एस ई आर एस ई टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई एस ई आर एस ई अपॉन आर एस एच। ये कहां से आया, ये हमने यही रिलेशन से इनको निकाला है कि जनरेटेड ईएमएफ माइनस आर्मेचर आई ए आर ए, ये माइनस में है उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो या तो हम ईजी माइनस आई ए आर ए अपॉन शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लिखे या टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई एस ई आर एस ई लिखे अपॉन आर एस एच। तो ये शॉर्ट शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन है। नीचे वाला जो है वो क्या कहलाएगा हमारा, लॉन्ग शंट। अब ये लॉन्ग शंट के लिए मैं इसको यहां से मिटा के, अब यहां पे देखें क्या फर्क आ रहा है। यहां पे आर्मेचर वाइंडिंग का करंट, यहां आर्मेचर वाइंडिंग का करंट सीरीज वाइंडिंग के करंट के बराबर है, यहां नहीं था, यहां आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग का करंट प्लस शंट वाइंडिंग का करंट था, जबकि यहां पे आर्मेचर वाइंडिंग का जो भी करंट होगा वही इस फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज में कनेक्टेड है उस करंट के बराबर होगा, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये करंट आके इस जंक्शन पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तरफ ये शंट वाइंडिंग का करंट और लोड करंट। अब जब हम इसका ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे तो जनरेटेड ईएमएफ माइनस ड्रॉप इन आर्मेचर माइनस ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग का, ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, और हमने पहले ही बताया कि आर्मेचर आर्मेचर करंट और सीरीज वाइंडिंग का करंट बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है ये बराबर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों अगर हम इक्वल कर दें तो यहां से हम आई ए को कॉमन ले लें तो आर ए प्लस आर एस ई इज इक्वल टू वी टी। इसका जो वोल्टेज इक्वेशन आ रहा है वो हमारे सीरीज टाइप डीसी मशीन के जैसा है, और इसका जो करंट इक्वेशन आ रहा है ये हमारे शंट टाइप डीसी मशीन के जैसा है। तो ये कहलाता है हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड, ये कहलाता है हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डीसी मशीन है। तो इसको आखिरी में बताऊंगा कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट इसमें फर्क देख ले। लॉन्ग शंट में जहां पे आर्मेचर के साथ पहले हमने सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगाई और उस पूरे कॉम्बिनेशन के पैरेलल में अगर हमने शंट वाइंडिंग लगाई है तो ये कहलाएगा लॉन्ग शंट, जबकि पहले हम आर्मेचर के पैरेलल में ये करंट फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं और इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल सीरीज में अगर हम सीरीज में लगाते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग तो वो कहलाता है शॉर्ट शंट, सिर्फ आर्मेचर जो है वो शंटेड है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। यहां पे सेपरेटली एक्साइटेड में तो हमने आपको जनरेटर और मोटर दोनों के केस बताए, जबकि सेल्फ में सेल्फ एक्साइटेड जो तीन टाइप का होता है, सीरीज टाइप, शंट टाइप और कंपाउंड टाइप, यहां पे हमने सिर्फ जनरेटर का एग्जांपल लिया है, जनरेटर का केस बताया है, मोटर के केस में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो इसके आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा डीसी मोटर के ऊपर, जहां पे हम आपको बताएंगे कि मोटर में कितना टॉर्क डेवलप होता है, मतलब टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, और वहां से आपको बताएंगे कि डीसी मोटर का कहां कहां कैसे यूज होता है, कि सीरीज टाइप डीसी मोटर कहां यूज होता है, शंट टाइप डीसी मोटर कहां यूज होता है, या कंपाउंड टाइप हम कहां यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन पार्ट। तो ये टॉर्क इक्वेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर वो हम अगली क्लास में बताएंगे, और वहां पे आपको जब हम टाइप बताएंगे सीरीज टाइप डीसी मोटर तो वहां पे ये टाइप और भी क्लियर हो जाएगा, जहां पे डायरेक्शन करंट का उल्टा हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।